शहर कोतवाली पुलिस शायद इन दिनों चोरों और उनके कारनामों से सबक लेना चाहेगी, क्योंकि लगातार चोर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मजेदार बात तो यह है कि सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हुए चोर पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। ताजा मामला क्षेत्र के अमरीशपुरी कॉलोनी के निकट डॉक्टर सुनील त्रिवेदी के नर्सिंग होम का है, जहां अज्ञात चोर ने दुकान खाली देखकर मात्र 3 मिनट के भीतर 34,000 की चोरी की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि उस समय दुकान पर कोई नहीं था और कंपाउंडर पूजा के लिए फूल लेने गया हुआ था। चोर की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मौके पर पुलिस भी पहुंची और शहर कोतवाल संजय त्यागी ने इंदिरा नगर चौकी इंचार्ज को इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए लगाया। देखते हैं कि पुलिस चोर पर कार्रवाई कर पाती है या नहीं। जब क्या घटना हुई आपको? मैं डॉक्टर सुनील त्रिवेदी, मेरा यहाँ कानपुर रोड पे GGIC चौराहे के पास क्लिनिक और मेडिकल स्टोर है, होलिस्टिक होम स्टोर के नाम से। आज सुबह 7:17 से 7:19 के मध्य शटर खुला हुआ था और एक कोई आदमी आया, उसने जो है गल्ले को तोड़कर उससे करीब 32 से 34 हज़ार के आसपास रुपए गायब कर दिए, चोरी कर दिए। तो इसकी शिकायत कहाँ की और ये घटना आपको जानकारी कैसे मिली? हाँ, कि एक व्यक्ति आया? हाँ, इसको सीसीटीवी जब मिश्रा जी हमारे कंपाउंडर ये आए, उन्होंने देखा तो गल्ला टूटा था, उसको सीसीटीवी फुटेज में चेक किया गया तो वो व्यक्ति उसमें दिखाई दिया। क्लिनिक कितने बजे खुल जाता है सुबह? क्लिनिक सुबह 7 बजे के आसपास मेडिकल स्टोर खुल जाता सफाई वफाई के पर्पज से। तो क्लिनिक पर जब घटना हुई तो कौन था? मिश्रा जी थे हमारे कंपाउंडर, प्रवीण मिश्रा। पहुंचे जी, अब क्या घटना हुई थी, अब कहाँ थे आप? प्रवीण मिश्रा, मैं सुबह चंदापुर कोठी से आया और पूजा के लिए शटर उठाया और उसके बाद झाड़ू मार के जो है पूजा के लिए फूल लाने गया। जैसे मैं फूल लाने के लिए आगे बढ़ा और 5 मिनट बाद आके देखता हूँ तो यहाँ जो है गल्ला टूटा हुआ था। कहाँ गए थे फूल लाने के लिए आप? ये PMT कॉलोनी। तो कितनी देर मतलब लगा आपको फूल लाने और ले जाने में? मुश्किल से मुझको 10 से 15 मिनट लगा होगा 20 मिनट। अच्छा, कितने पैसे थे गल्ले में? करीब 32 से 34 हज़ार रुपये के आसपास रहा होगा। शिकायत कहाँ की है? शिकायत पहले 112 मैंने डायल किया, तुरंत 112 आई, उसके बाद चौकी इंचार्ज इंदिरा नगर आए कि कोतवाल साहब खुद आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र इस घटना का जो है अनावरण किया जाएगा। अरे, किसी में शंका कि कौन आदमी ले गया हो? अब वो फुटेज पे दिख रहा है, पहले मैं उसको नहीं देखा। शहर के राइजिंग चाइल्ड स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों का ग्रेजुएशन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान वार्षिक परीक्षा फल भी वितरित हुआ। 2 चरणों में संपन्न हुए समारोह में गाउन और कैप पहनकर बच्चों ने खूब धमाल मचाया। पहले चरण में प्री प्राइमरी के बच्चों का ग्रेजुएशन समारोह हुआ, जिसका उद्घाटन अपर जिला जज त्रिपुरारी मिश्रा, प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव और प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रथम चरण में हुए समारोह की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव रही। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बच्चों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि बच्चे ही देश की धरोहर हैं और बच्चों में बहुमुखी चहुमुखी विकास के लिए राइजिंग चाइल्ड स्कूल सराहनीय कार्य कर रहा है। सदर विधायक अदिति सिंह ने टॉप 5 बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय की पूर्व छात्रा श्रजा जायसवाल के द्वारा शिक्षा और समाज के क्षेत्र में सराहनीय सहयोग देने के लिए सम्मानित भी किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत और NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को विविध एक्टिविटी के आधार पर शिक्षित करने के लिए विद्यालय कृत संकल्पित है। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। छोटे बच्चों का ये है कि उनका 1 वर्ष जो पूरा हुआ है और आगे आने वाले समय में वो और बेहतर करें, तो उनको एनकरेज करने की इच्छा से यहाँ पर छोटे समय के लिए मुझे अच्छा लगा। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। रायबरेली में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि अशरफ का काफिला यहां से गुजरेगा, इसको लेकर SP आलोक प्रियदर्शी ने जगह जगह रोड पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया हुआ है। साथ ही किसी प्रकार की कोई घटना ना हो इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। SP ने कहा कि अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी होगी उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखेंगे। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। सर, ये जो जगह है आज अतीक और अशरफ का चल रहा है मामला, इसको लेकर क्या यहाँ रायबरेली में क्या आप देखिए? एक जनरल अलर्ट है, रूट का भी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन एक जनरल अलर्ट है और हम लोग मंडे की बैंक चेकिंग भी है और हर दृष्टिकोण से यहाँ पे मंडे को वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था सजग रहती है, तो उस दृष्टिकोण से ड्यूटियाँ लगी हैं और जो मुख्य चौराहे और टोल है वहाँ पे वैसे भी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, तो वो ड्यूटियाँ लगाई गई।